प्रेम रतन धन पायो। और दिलवाले में जा रहा हूँ, कल से शूटिंग करने जा रहा हूँ, आधी फिल्म कर ली है, आधी कल से। जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल, शशि सर मतलब महान है, हमारे सिनेमा के लिए काफ़ी कुछ किया है, एक अलग किसी अपना एक्टिंग तो वो बिल्कुल ही कमर्शियल फिल्मों में करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और अच्छी फिल्मों से रिलेटेड रहे हैं, और जागरण उनका सम्मान कर रहा है, हम सब सर झुकाते हैं उनके लिए। सर जी, आपने भी इतना अचीव किया लाइफ में एक्टिंग के फील्ड में, अभी कहाँ है यार, अभी तो हाँ मतलब यार अभी तो मत दिलवाओ, लोग अभी से अंकल अंकल कहने लग गए, तुम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिलवा दोगे यार, नहीं नहीं अभी तो। अच्छा, जागरण फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, 6 साल से फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। मैं जागरण से पिछले 2 सालों से रिलेट हूँ, आंखों देखी को मुझे पिछली बार उन्होंने अवार्ड दिया था बेस्ट एक्टर का, और इन सब से अलग जागरण एक अपनी जगह बना रही है हिंदुस्तान के फिल्म फेस्टिवल्स में, जागरण का एक अपना नाम होता जा रहा है, जागरण फिल्म फेस्टिवल का। और अलग अलग शहरों में जहाँ कभी आप सोचते भी नहीं है कि कोई फेस्टिवल होगा, वहाँ वहाँ जाकर के वो फेस्टिवल करा रही है और एक कल्चर सिनेमा का खड़ा कर रही है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है जागरण फिल्म। मुझे सलमान खान की फिल्म देखने का इंतज़ार है, दिलवाले, और दिलवाले नहीं, ये प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो। और दिलवाले में जा रहा हूँ, कल से शूटिंग करने जा रहा हूँ, आधी फिल्म कर ली है, आधी कल से। शाहरुख खान एनर्जेटिक एक्टर है, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। किन के साथ में? हाँ उनके, जी 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 जी, तो ये दौर मैंने उनके बीच का है, मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, आज बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ रोहित शेट्टी के साथ तो मैं अक्सर करता ही रहता हूँ। तो हैप्पी हेली होली तो बोलेंगे नहीं, जन्मदिन मुबारक हो अमिताभ सर, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, पर दादा ना बुलाने लगे तो सबको वही फीलिंग होती होगी, कभी बेटा बोलते थे अब अंकल बोलने लग गए, तो फीलिंग क्या है, मतलब बुरी क्या बात, अंकल ही तो बुला रहे हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं यार। ठीक है।